हेलो बच्चों, मैं शिवांगी सिंह आप सभी का डिलाइट आयस पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, हम क्लास 11th की एनसीईआरटी की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है समाज का बोध। बच्चों, मेरी आवाज़ में आज थोड़ा सा कुछ अगर आपको परेशानी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, थोड़ी मेरी तबीयत नहीं सही है इसलिए एडजस्ट करिएगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे समाज का बोध क्लास 11th की एनसीईआरटी। बाकी हम इसके फर्स्ट चैप्टर को आज लेंगे, इसमें 5 चैप्टर्स हैं बच्चों। समाज में सामाजिक संरचना, स्थिरीकरण, सामाजिक प्रक्रियाएं, इसके बाद हम ग्रामीण और नगरीय समाज भी लेंगे, फिर पर्यावरण समाज लेंगे और फिर पाश्चात्य समाजशास्त्री और भारतीय समाजशास्त्री लेंगे। उसके बाद में हम भारतीय समाज की क्लास 12 के एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम फिर शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। समाज में सामाजिक संरचना और स्थिरीकरण और सामाजिक प्रक्रिया, इस चैप्टर पे हम बात शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, समाज में जो सामाजिक संरचना और स्थिरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति होता है वो उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर ज़रूर होता है, कोई ना कोई लेवल ज़रूर होता है, किसी तरीके से वो कार्य ज़रूर कर रहा होता है। आप अपने आसपास या अपने जीवन को जीने में देखिए कि आपका परिवार या आपके आसपास का समाज या कोई जाति वर्ग जिससे भी आप बिलोंग करते हैं या आपके आसपास के परिवार, नातेदार, दोस्त, जो लोग भी हैं, ठीक है, वो किसी न किसी सामूहिकता से आप देखेंगे कि वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि सामूहिक समूह लिंग वर्ग जाति से जुड़े होते हैं, और आप सभी या कोई भी व्यक्ति किसी एक समूह से नहीं जुड़ा होता है बल्कि कई समूहों से जुड़े होते हैं। आप इसको खुद में पर्सनली फील करिए। अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे विद्यालय है, उसमें कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है और कोई शिक्षक पढ़ रहा है या उसमें कोई कर्मचारी है, तो ये सभी अलग अलग सामाजिक संरचना के अधीन है, है ना। उनके अलग अलग कार्य हैं, उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, वो किसी न किसी उसमें कोई ना कोई स्तरीकरण है, कोई ना कोई सामाजिक संरचना है, है ना। तो ये चीज़ ही हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि वो कैसे काम करती है, इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम आगे बात करेंगे। जैसे सामाजिक संरचना है या स्तरीकरण है तो उसकी कोई प्रक्रिया भी होगी, प्रक्रिया में कभी भाई आपका किसी भी तरीके का संघर्ष आएगा, तो कभी प्रतिस्पर्धा होगी, तो कभी सहयोग भी होगा। यही सब बातें हम इस चैप्टर में करेंगे, एक बेसिक समझने की कोशिश करेंगे कि समाज का आखिर स्ट्रक्चर होता कैसे है, ठीक है। तो समाजशास्त्र होता वैसे क्या है, तो व्यक्तियों समाज के बीच में, यानी व्यक्ति और समाज के बीच में कोई भी द्वंद्वात्मक संबंध जो है उनको समझेंगे। ये कैसे, तीन संकल्पनाओं पर निर्भर करता है, यही सेम जो ऊपर लिखा है, सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक संरचना या सामाजिक प्रक्रियाओं के बीच में। इस पर सी राइट मिल ने भी लिखा हुआ है, ये चीज़ आप अपनी आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि समाज शास्त्रीय परिकल्पना की व्याख्या में उन्होंने व्यक्ति के जीवन वृत्त तथा समाज के इतिहास के आपसी संबंधों को स्पष्ट किया है, ठीक है। आगे देखेंगे कि समाज में सामाजिक संरचना, स्थिरीकरण और सामाजिक प्रक्रिया जो है वो काम कैसे कर रही है। देखिए, जो सामाजिक संरचना है, देखिए हम इस पाठ में ये जानेंगे बच्चों, पहले सुन लीजिए कि किस हद तक व्यक्ति सामाजिक संरचना से स्वतंत्र है, यानी जो स्ट्रक्चर है, जैसे आपकी फैमिली आपकी लाइफ का एक स्ट्रक्चर है, उससे कितने स्वतंत्र हैं या किस हद तक आप उससे बाध्य हैं। क्या सामाजिक संरचना या सामाजिक स्थिरीकरण व्यक्ति की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है, यानी आपका जो भी वर्क सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है। क्या व्यक्ति या समूह जो है वो एक दूसरे से सहयोग, प्रतियोगिता या संघर्ष करते हैं, यही सब चर्चा हम इस पर करेंगे। आगे कहता है कि समाज संरचनात्मक है, वे अपने विशिष्ट रूप में क्रमवार या नियमित है। समाज संरचना की संकल्पना इन्हीं नियमितताओं को इंगित करती है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बच्चों इन वर्डिंग्स को लेके, हम आपको बिल्कुल इजी में इसको समझाएंगे। नियमितताओं मतलब एक पैटर्न, जैसे कि अगर आपका लोगों का देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आचरण है या एक दूसरे के प्रति संबंध है, इसको छोटी एकदम सरल भाषा में समझते हैं। आप अपनी फैमिली में रह रहे हैं या आप अपने रिलेशनशिप में, तो आपका एक दूसरे के लिए कुछ कुछ ना कुछ संबंध होंगे। आपका फैमिली को निभाने का तरीका डिफरेंट होगा, आपके पड़ोसी का फैमिली के रिलेशनशिप्स को निभाने का तरीका डिफरेंट होगा, आपके आचरण दूसरे होंगे, किसी और के दूसरे होंगे, किसी और के दूसरे होंगे, ठीक है। तो हम वही बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर देखेंगे
कि अगर आपका परिवार है, आपके जैसे माता पिता हैं उनका डिफरेंट है, उनके सास ससुर या माता पिता थे उनका डिफरेंट था, आपका डिफरेंट है, लेकिन फिर भी आपकी फैमिली में कोई ना कोई पैटर्न होगा जो सेम होगा, जो चल रहा होगा, कुछ नियमितताएं होंगी, है ना। वो दूसरी फैमिली से थोड़ी डिफरेंट होंगी, लेकिन दूसरी फैमिली की जो नियमितताएं होंगी वो सेम होंगी। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि विशिष्ट रूप से, और ऐसे ही समाज में होता है, एक पर्टिकुलर, जब आप कुछ कुछ लोग मिलके फिर एक छोटा सा समाज बनाते हैं, उस समाज की दूसरे समाज से निमित्ताएँ डिफरेंट होंगी, लेकिन इस समाज की अपने अंदर निमित्ताएँ सेम होंगी। फिर ये समाज दूसरे बड़े जब तबके में जाते हैं हम, तो इनकी किसी और से डिफरेंट होंगी, लेकिन इस पूरे समाज की यानी प्रदेश की एक होगी। फिर इस तरीके से एक देश की में कोई एक पैटर्न पाया जाता होगा, वो दूसरे देश से डिफरेंट होता होगा। तो उसी तरीके से एक रीजन में यानी दक्षिण एशिया में एक जैसे कोई पैटर्न पाया जाता है, वो आप देखेंगे पश्चिम देशों से थोड़ा भिन्न होता है। वही चीज़ यहाँ पे हम कह रहे हैं कि संरचनात्मक विशिष्ट रूप से क्रमवार या नियमित होते हैं, इनकी संकल्पनाओं में एक किसी तरह का पैटर्न पाया जाता है, चाहे वो लोगों का आचरण हो, उनके संबंध हो। सामाजिक विश्लेषण की प्रक्रिया में सामाजिक पुनरुत्पादन और सामाजिक संरचना एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी इनमें पैटर्न्स तो पाए जाते हैं, लेकिन दिन पे दिन आप देखेंगे चेंजेस भी होते जा रहे हैं, है ना। अभी आप ही हैं, आप अपने पेरेंट्स से थोड़े से डिफरेंट हैं, करेक्ट है, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर तो है ना, तो यानी एक दूसरे से जुड़े हुए तो है ना। जैसे विद्यालय या परिवार है, परिवार का एग्जाम्पल दे दिया, विद्यालय का ले लीजिए आप, कि इसमें जो टीचर हैं कुछ पढ़ा रहे हैं, फिर वो रिटायर हो गए हैं, फिर दूसरे टीचर्स आ रहे हैं, फिर वो रिटायर हो गए, तीसरे टीचर्स आ रहे हैं, या स्टूडेंट आए हैं वो चले गए, लेकिन वहाँ पे एक कुछ ना कुछ कोई ना कोई एटिकेट्स तो होंगे जो जो वहाँ के प्रिंसिपल फॉलो करवा रहे होंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो होंगे जो फॉलो हो रहे होंगे, वो सेम होंगे, है ना। यानी एक स्ट्रक्चर होगा जो सेम होगा, हाँ उसमें टाइम के साथ चेंजमेंट्स आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ पुनरुत्पादन भी होता जा रहा होगा। अब इस पे दो लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं, एम एल दुर्खाइन जी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बेटा पढ़ना चाहिए और लिखने में भी आपको काम आएंगे। और फिर उसके बाद में कार्ल मार्क्स जी हैं, एम एल दुर्खाइन कहते हैं कि समाज अपने सदस्यों की क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाते हैं, यानी ये जो समाज है, यानी कि ये जो पूरा समाज है, ठीक है, ये अपनी जो प्रतिक्रियाएँ हैं, अपनी सदस्य की जो क्रियाएँ उस पर प्रतिबंध लगाते हैं, व्यक्ति पर समाज का प्रभुत्व होता है। यानी ये कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, आप पे किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई इफेक्ट है सोसाइटी का, ठीक है, तभी आप वो चीज़ कर रहे हैं। समाज व्यक्ति की कुल क्रियाओं से कहीं अधिक है, क्योंकि समाज बड़ा है व्यक्ति से, है ना। इसमें दृढ़ता भी होती है, कठोरता भी होती है, जो भौतिक पर्यावरण की संरचना के समान है। कार्ल मार्क्स जी देखिए क्या कह रहे हैं, ये भी यही बात कहते हैं, ठीक है, इनकी ही संरचना की ही बाध्यता पर ये भी बल देते हैं, लेकिन साथ में एक चीज़ और ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मनुष्य सृजनात्मकता को महत्वपूर्ण मानते हैं, मनुष्य की, यानी कि वो उसमें कुछ क्रिएटिविटी भी है, वो भी ये बात रख रहे हैं, यानी कि कल्चर जो सामाजिक संरचना है या समाज है उसको वो तो बाध्यता है, वो तो सही है, लेकिन उसमें कुछ क्रिएटिविटी है उसको भी महत्वपूर्ण मानते हैं। सामाजिक संरचना को परिवर्तन भी करती है, पुनरुत्पादित भी करती है, यही बात अभी हमने यहाँ पे आपसे कही थी, है ना। तर्क क्या देते हैं इस बात में, वो कि मनुष्य इतिहास बनाता है, परंतु इतिहास निर्माण ना तो वो अपनी इच्छा से कर रहा होता है, ना ही वो अपनी मनपसंद शर्तों पर कर रहा होता है, बल्कि इतिहास का जो निर्माण होता है वो संरचनात्मक स्थिति की बाध्यताओं और संभावनाओं के अंतर्गत होता है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना इस स्टेटमेंट का। देखिए ये कह रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मनुष्य इतिहास अगर बना रहा है, तो वो इतिहास ना तो वो अपनी इच्छा से कर रहा है, ये इनका कहना है, ना तो वो अपनी मनपसंद शर्तों से कर रहा है, बल्कि वो कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर ज़रूर है, ठीक है, वो पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो, इतिहास का कोई स्ट्रक्चर ऐसा ज़रूर है जो उसकी बाध्यता जो है ना, वो आप पे प्रेशर डाली उस काम को करने के लिए, ठीक है, जहाँ पे भी आप जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है। ये स्वैच्छिक नहीं होता है, ये संभावित होता है, ये ऐसा इनका कहना है। आगे देखेंगे कि सामाजिक संरचना में, ठीक है, सामाजिक संरचना में एक दूसरे के लिए कभी कभी दूषित तो क्रूर प्रतियोगिता भी होती है, तो कभी कभी संयोग के साथ संघर्ष भी होता है, यही बात थी, इसमें हम बात करेंगे। इसमें देखिए पूरा चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं आपसे। इसमें सहयोग की बात भी करेंगे, संघर्ष की बात भी करेंगे, प्रतियोगिता की भी करेंगे, लेकिन ये कैसे होगा आप समझिए।
सामाजिक संरचना में एक दूसरे के लिए कभी कभी भाई क्रूर प्रतियोगिता भी आएगी, आप कभी कभी किसी के साथ कंपटीशन भी फील करते होंगे, कभी कभी कोलैबोरेशन यानी सहयोग भी फील करते होंगे, कभी कभी आपको लगता होगा कुछ ना कुछ स्ट्रगल फेज आ गया है। वही बात है कि ये सब कुछ एक संरचना का एक स्ट्रक्चर, सामाजिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है बच्चों, ठीक है। तो कैसे, जैसे सरल समाज जहाँ पे, जो नॉर्मल समाज है, ठीक है, वहाँ पे अधिक उत्पादन नहीं होगा, व्यक्ति समूह में आपसी सहयोग होगा, जहाँ पे आपसी बहुत सहयोग है तो वहाँ ज़्यादा कह रहे हैं उत्पादन नहीं होता है। वे वर्ग जाति प्रजाति में नहीं बैठे थे, बल्कि जिस समाज में अधिक, और अगर हम बात करते हैं कि ज़्यादा जहाँ उत्पादन होता है वो चाहे जमींदार हो, जैसे पूंजीपति हो, प्रभावशाली है, वहीं पे तो ज़्यादा उत्पादन होगा ना। तो ये कह रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा उत्पादन होगा, चाहे वो खुद के द्वारा हो या किसी के सहयोग से हो, वहाँ संघर्ष और प्रतियोगिता जन्म लेगी ही लेगी। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जहाँ पे सरल समाज होगा तो वहाँ पे उत्पादन कम होगा, ठीक है, वहाँ पे सहयोग ज़्यादा होगा, लेकिन जहाँ पे आपका उत्पादन ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे सहयोग तो होगा लेकिन संघर्ष और प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा जन्म लेगी, ठीक है। जैसे कारखाना है, उसमें जो मजदूर है वो अपने प्रतिदिन कारखाने में, चाहे मालिक हो चाहे मजदूर हो, वो एक दूसरे पे कहीं ना कहीं एक दूसरे को सहयोग करते हैं, है ना, लेकिन फिर भी संघर्ष भी उन दोनों के बीच में अवेलेबल होता है, करेक्ट है। यही बात यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। तो उसके आगे हम ये बात करेंगे कि जैसे कि सहयोग है, ठीक है, सहयोग प्रतिस्पर्धा के आपसी संबंध अधिकतर जटिल होते हैं। कैसे होते हैं, कई बार हम ये चीज़ देखेंगे कि सहयोग हम कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली वे में तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर हम बहुत संघर्ष लेकर के उस चीज़ को चल रहे हैं। और ये कई बार देखेंगे कि संघर्ष खुल कर नहीं आता है, सहयोग तो फिर भी खुल के आता है, क्योंकि हम अपने अंदर उस चीज़ को छुपा लेते हैं। ये कैसे होता है, कई बार आसानी से अलग नहीं किए जा सकते हैं ये, क्योंकि जटिल होता है। जैसे स्त्री का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार, ठीक है, अब क्या होता है कि पति जो स्त्री होती है वो कई बार या तो उस बात को रखती ही नहीं है, या अगर वो रखती है तो उसको एक डर रहता है कि भाई क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा, भाभी क्या सोचेंगी, लोग मुझे चालाक सोचेंगे, कुछ और कहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मायके के मेरे दरवाजे बंद हो जाएं, अलग 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 तरीके के उनके उसके अंदर डर एक जन लेता रहेगा। और ऐसे में वो क्या करेगी, या तो उस बात को बोल देगी या तो वो उस बात को नहीं बोलेगी। तो वहाँ पर नहीं बोलेगी वाले सीन में क्या होता है कि वो सहयोग करेगी उस चीज़ पे। तो सहयोग रूप दिख तो जाता है, उसका सहयोगात्मक रूप दिखता है, लेकिन समाज के कई गहरे जो संघर्ष होते हैं वो अंदर ही अंदर छुपते हैं। और ये सिर्फ स्त्री के उस पर ही नहीं है बच्चों, ये कई चीज़ों में आप देखेंगे कि संघर्ष अंदर ही अंदर वो छुपा हुआ रहता है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे सहयोग है या श्रम विभाजन को हम समझेंगे, कब मनुष्य के सहयोग के बिना मानव जाति का अस्तित्व तो कठिन हो जाएगा, सच है कि नहीं। कोलैबोरेशन हर जगह इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं, मनुष्य की लाइफ में, चाहे वो कंपनी खड़ी करने में हो, चाहे मनुष्य की पढ़ाई में हो, चाहे जीवन के किसी और स्तर में हो, चाहे शादी विवाह में हो, एक कोलैबोरेशन हर जगह आप देखेंगे कि सहयोग की इंपॉर्टेंस है। अगर वो नहीं होता है तो आपकी लाइफ थोड़ा कठिन होने लगती है। ये कह रहे हैं कि जानवरों में भी सहयोग देखने को मिलता है, ठीक है, चाहे चींटी, मधुमक्खी, स्तनपाई, मनुष्य हो, लेकिन मनुष्य बहुत घिनौना क्रूर नहीं होता है, ठीक है, जैसा इन लोगों में कई बार प्रवृत्ति पाई जाएगी, ठीक है। एमिल दुर्खाइम कहते हैं कि आदिम मानव जो है वो जाति की भी एकमात्र उत्तेजना भूख प्यास यही है, इसकी जो एकमात्र आदिम जमाना जो मनुष्य था ना, जो पहले का मनुष्य था, ये कह रहे हैं उसकी भी जो एकमात्र जो उत्तेजना थी ना, वो भूख प्यास कोई संतुष्टि प्राप्त करना ही था। ये एक चीज़ और देखे कहते हैं, एकता पर भी बात करते हैं, ये कहते हैं कि समाज का जो नैतिक, ये समाज का एक नैतिक बल होता है, ठीक है, ये सहयोग को समझने के लिए ज़रूरी होता है। एकता, एकता वो दो तरह की कहते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। यांत्रिक एकता यानी कि एक जैसा जीवन जो जी रहे हैं वो एक नॉर्मल लाइफ, ठीक है, एक जैसा जीवन, इसमें यांत्रिक एकता की बात करते हैं। कई बार आता है सावयविक एकता भी बात होती है, श्रम विभाजन, यानी कि जैसे कि इस पर जब श्रम विभाजन होता है, यानी कि श्रम का डिविडेशन होने लगता है, तो वहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी बढ़ने लगती है। कैसे बढ़ने लगती है, आप छोटे से एग्जांपल से लीजिए, एक मनुष्य है उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ बढ़ रही हैं, वो पूंजीवादी है या एक बिजनेसमैन है, उसकी विशिष्टता बढ़ती जाती है, जितनी भी विशिष्टता बढ़ती जाएगी उसकी निर्भरता भी बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ेगी, एक जो कृषक व्यक्ति है ना, वो अपने काम को करने के लिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर उसकी निर्भरता कम होती है,
वो अपने कार्य को या तो खुद से पूरा कर सकता है या दूसरों की अगर मदद भी लेता है तो बहुत कम मात्रा में लेता है। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन है ना, तो वो उसका उसमें विशिष्टता बहुत बढ़ गई है, उसका श्रम विभाजन बढ़ गया है, ठीक है, तो उसकी निर्भरता भी बढ़ गई है। वो अपने कार्य में छोटे छोटे कार्य के लिए, छोटे छोटे कार्यों के लिए दूसरे पर निर्भर है, दैनिक जीवन हो, चाहे वो खाना पकाने से लेकर के किसी और कार्य को हो, या वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हो, या फिर एक्स वाई जेड किसी भी तरीके के कार से आना जाना हो, उसकी डिपेंडेंसी बढ़ी हुई है। यही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं। वही कार्ल मार्क्स क्या होते हैं, वो चेतना पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य पशु में अंतर चेतना धर्म किसी अन्य वस्तुओं के आधार पर किया जाता है। इन्होंने अलगाववाद का शब्द भी बात की है। अलगाववाद की बात अच्छा कैसे होती है, जैसे कि मानिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, चाहे वो, इन्होंने एग्जाम्पल भी देखे दिया है संतुष्टि और सृजनात्मक का भाव का, पर एग्जाम्पल भी दिया है अलगाववाद के लिए, कि एक बुनकर और कुम्हार है, वो अगर अपने काम को कर रहा है तो उसमें बहुत क्रिएटिविटी है और बहुत सेटिस्फैक्शन है ना, क्योंकि वो अपने काम को कर रहा है। कोई भी पर्सन अगर अपने काम को स्पेशली कर रहा है तो उसमें है सेटिस्फैक्शन है, क्रिएटिविटी है। लेकिन वही काम अगर कोई फैक्ट्री में कोई काम मजदूर कर रहा है, तो क्या उसमें इस लेवल की क्रिएटिविटी और सेटिस्फैक्शन होगा क्या? वो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ज़्यादा काम करेगा, क्रिएटिविटी उस लेवल की नहीं होगी जितनी एक बुनकर और कुम्हार में होगी। तो वो जो अलगाव शब्द आता है ना, ये उनकी बात करते हैं कि सहयोग और श्रम विभाजन में ये एक अलगाव का भी प्रयोग करते हैं, ऐसा बात कहते हैं कार्ल मार्क्स जी, ठीक है। आगे देखेंगे कि कैसे प्रतिस्पर्धा कैसे काम करती है अवधारणा रूप में, और हम आखिरी इसके बाद चैप्टर फिर देखेंगे कि आखिर किस तरीके से सहयोग संघर्ष काम करते हैं, ठीक है। प्रतिस्पर्धा एक अवधारणा व्यवहार रूप में हम देखते हैं क्या है, कि प्रतिस्पर्धा की विचारधारा पूंजीवाद की सशक्त विचारधारा है, जैसे बाजार इस प्रकार से कार्य करता है कि अधिकतम कार्य कुशलता सुनिश्चित हो सके, है ना। बाजार यही करता है कि उसको भाई प्रोडक्शन ज़्यादा मिले, उसकी ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट हो, लोग उसके पास ज़्यादा अट्रैक्ट हों, यही चीज़ें होती हैं इनकी। तो सेम वही चीज़ है, क्योंकि बेहतरीन होना सबसे बड़ा भौतिक पुरस्कार सुनिश्चित करता है। भाई भौतिक पुरस्कार का मतलब क्या है, कि उसको पैसा कमाना है, चीज़ें करना है, वो तो मिल ही जाएगा उसको, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि पहले वो बेहतरीन हो। तो बेहतरीन होना किस चीज़ को जन्म देती है, प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। ये विचारधारा स्पेशली किन लोगों की होती है, पूंजीवाद लोगों की होती है, ये यहाँ पे कह रहे हैं। जैसे बेहतरीन छात्र है, उसका प्रसिद्ध कॉलेज में दाखिला जल्दी हो जाता है ना। जैसे विद्यालय है, उसमें जो ड्रॉप आउट रेट आप देखेंगे वो निम्न जाति वालों का थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। आप देखेंगे कि उच्च शिक्षण संस्थानों में उच्च जाति वाले लोग ज़्यादा हैं। इन सब के पीछे एक रीज़न है बच्चों, कि ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, प्रतिस्पर्धा यहाँ पर ज़्यादा क्यों डेवलप हो रही है, किस तरीके से वो चीज़ें हो रही, जातियों का भी वर्चस्व कैसे बढ़ रहा है, ये एक बेसिक समझ आपको बनाएगा, ताकि हम जब क्लास 12 की भारतीय समाज पढ़ेंगे तो आपको ना वो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों पे हम एक ये भी बात करते हैं कि जैसे कि कई बार ना प्रतिस्पर्धा वगैरह के बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम प्रतिस्पर्धा कोई कंपटीशन करा रहे हैं, तो बच्चों में ना कहीं एक हीन भावना भी आती है कि भाई किसी को प्राइस मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। वो एक कोलैबोरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं हो पाता, बल्कि एक कॉम्पिटिशन फॉर्म होता है। तो इसके दोनों ही पॉइंट्स होते हैं। जीएस मिल क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा के प्रभाव अधिकतर नुकसानदायक होते हैं। आधुनिक प्रतिस्पर्धा की लड़ाई प्रत्येक के खिलाफ, लेकिन साथ साथ ही सबके लिए लड़ाई है। इस अर्थ में आर्थिक प्रतिस्पर्धा निम्न लागत में अधिकतम उत्पादन है। ये बात सच भी है ना, कि आज प्रतिस्पर्धा क्या कहती है कि भाई हमें निम्नतम लागत में ज़्यादातर उत्पादन मिले। यही बात इन्होंने जीएस मिल जी ने कही है। उसके बाद देखेंगे संघर्ष और सहयोग की बात। ये क्या होता है कि भाई किसी भी संसाधन को प्राप्त करने के लिए हितों में टकराहट, यही होती है संघर्ष, ठीक है। संघर्ष क्या होता है, हितों में टकराहट होते हैं एक दूसरे के प्रॉफिट के, सब अलग अलग चीज़ें पाना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से पाना चाहते हैं। संघर्ष ये होता है कि नहीं होता है भाई? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो संघर्ष है वो अभी नया आया है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये हमेशा से था, जबकि सच्चाई क्या है, ये हमेशा से था। ये बात हम विकासशील देशों वगैरह से भी समझ सकते हैं कि संघर्ष हमेशा से ही था विकासशील और विकसित देशों से, ठीक है। और भी पास के कुछ प्राचीन इतिहास को लेकर के भी हम देख सकते हैं। संघर्ष जो है बेकार की बहस या विभ्रांति या विसंगति, कई कई मौके पे तो खून खराबे को भी जन्म दे देता है भाई, ये है कि नहीं भाई, जन्म देता है कि नहीं। वही चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि परिवार या घर की हम बात करें तो उसमें कई तरीके के संघर्ष होते हैं।
सहयोग भी होता है, परिवार की अगर हम बात करें तो इसमें सहयोग भी होता है, ठीक है, लेकिन संघर्ष भी होता है। प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भले ही वो सहयोग दिखे लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो संघर्ष दिखता है ना। कैसे दिखता है? जैसे कोई फीमेल इशू है, वो अपने मन की बात नहीं रख पा रही है, पैट्रियार्की इशूज़ आ रहे हैं, या किसी तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन इशू है, जैसे कोई सामान है, है ना, उसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है। ये फीमेल नहीं, घर के किसी भी बच्चे के लिए भाई हो सकता है, किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, हम रिश्तेदारों की हेल्प कर रहे हैं, कोई रिश्तेदार से हेल्प ले रहे हैं, कभी सामने ले रहे हैं, कभी छुप कर ले रहे हैं, किसी तरह का कोई ऐसा परिवार का इशू हो, या किसी तरह का कोई डिसीजन मेकिंग का इशू हो, तो संघर्ष हर जगह विद्यमान है, लेकिन सहयोग भी विद्यमान है। लेकिन सहयोग क्या होता है कि हमारा खुल के दिखता है, संघर्ष कई जगह खुल के नहीं दिखता है, छुप कर दिखता है। ये चीज़ हम भूमि आधारित संघर्ष में भी देखते हैं कि भाई वहाँ पे भी हम कई बार माफ़ करिएगा बच्चों, कई बार क्या होता है कि आप आ, आ, आपने किसी को पट्टे पे कोई चीज़ दे दी, या कुछ समय के लिए आपने किसी से उधार लेने के नाम पर आपने अपनी ज़मीन को दे दी, अब वहाँ से वो चीज़ आप भले पैसे दे रहे हैं लेकिन वो समय पे आपको चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, अब वहाँ पे आप सहयोग दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन संघर्ष तो अंदर से मन में चल रहा है। तो चलिए ठीक है बच्चों, ये था आपका चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 11। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर ग्रामीण समाज वाली बात, नगरीय समाज वालों पे बात करेंगे, हम क्लास 12 की भारतीय समाज लेंगे ताकि उसकी आपकी समझ विकसित हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मैं थी शिवांगी सिंह।